हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप सावन के महीने का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए। देखिए, शुक्रवार यानी 19 अगस्त को है पूर्णिमा। इस दिन जो है ना, शुक्रवार का दिन है, सावन का ये आखिरी सोमवार है। एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। तो आपको कैसे पूजा करनी है, तो सुबह के समय आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। यहाँ पर जो है ना, मैंने चौकी लगा ली है, जहाँ पर मैं भगवान की पूजा करती हूँ उसी जगह आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम डेली पूजा करते हैं वो जो है ना स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है। यहाँ पर मैंने चौकी बिछाई है, सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाया है, घी का दीपक तैयार कर लिया है। सावन का ये आखिरी सोमवार है, तो इस दिन जो है ना काफ़ी सारे लोग इस व्रत का उद्यापन भी करते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार के व्रत किए जाते हैं। तो आज के दिन उद्यापन का मतलब ये करना है, आपको हवन करना है, पूजा करनी है और दान पुण्य करना है। इसे कहते हैं उद्यापन करना, ताकि सावन के महीने का पूरा फल जो है ना आपको प्राप्त हो। तो इस दिन जो है ना, आपको पूरा शिव परिवार बनाना है, पार्थिव शिव परिवार। आप बड़े छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे देखिए आपको बनाना आता है। मैं तो बहुत छोटे से बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े बनाना मुझे नहीं आता है। यहाँ पर मैंने एक कांसे की थाली ले ली। अगर आपके पास कांसे की थाली नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको नया है। ऐसा कोई बर्तन नहीं लेना है जिसमें आपने कभी खाना खाया हो, क्योंकि जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं उनमें भगवान की पूजा नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर कांसे की थाली ले ली है, उसमें मैंने ओम लिख लिया है। आप भगवान शिव का कोई मंत्र लिख सकते हैं, मंत्र नहीं आता तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। देखिए, ये है छोटा सा शिव परिवार, पार्वती जी, गणेश जी, नंदी जी। और औरतें जो है ना कार्तिकेय की पूजा नहीं करती, इसलिए मैंने कार्तिकेय यहाँ पर नहीं बनाए हैं। जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जैसे मैंने रखा है ना उस हिसाब से ही आपको रखना है। तो उत्तर दिशा की ओर जो लंबी सी एक चौंच टाइप की होती है ना, उसको आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। आशा करती हूँ मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। इसके बाद आपको पूरे शिव परिवार का मन में ध्यान करना है, जैसे कि गणेश जी, पार्वती माता, नंदी और पूरे शिव परिवार का मन में ध्यान करते हुए चावल और फूल जो है ना आपको चढ़ा देने हैं। इसके बाद किया जाता है संकल्प पूरा। ये है सावन का आखिरी सोमवार। तो इसके बाद जो है ना, आप सोमवार के जो है ना व्रत नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्रत जो है ना सावन के सोमवार में ही किए जाते हैं। अगला जो दिन होगा वो भादों का महीना होगा। तो आपको पूरा संकल्प पूरा करना है। संकल्प पूरा करने के लिए मैंने एक फल लिया था, फूल लिया था, थोड़े चावल लिए थे, दक्षिणा लेनी है, थोड़ा सा आपको चल लेना है और संकल्प जो है ना पूरा कर देना है। मन में ये भाव रखना है कि हे प्रभु, हमने व्रत जो पूरे कर लिए, इन व्रतों का हमें पूरा फल जो है ना प्राप्त हो। इसके बाद आपको भगवान को स्नान कराना है। सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से स्नान करवाया था, उसके बाद कच्चा दूध से स्नान करवाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर गंधों तक स्नान करवा रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जल लिया है, उसमें जो है ना मैं थोड़ी सी भांग डाल दूंगी। आप दूध में भांग डालकर भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। भांग से केवल भगवान शिव को स्नान करवाया जाता है, बाकी किसी को भी आप स्नान ना करवाएं। तो भांग से स्नान करवाने के बाद मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। जल्दी जल्दी आपको तरीका बता रही हूँ, क्योंकि पूजा में थोड़ा देखिए टाइम तो लगता है, वीडियो होता है बहुत छोटा और पूजा होती है लंबी। इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पर भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। अगर आप इस तरह का बड़ा कलावा भगवान को अर्पित करते हैं तो इसका एक फ़ायदा है, इस कलावा को आपको विसर्जन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा को बाद में आप अपने बच्चों के हाथ में या अपने हाथ में भी बाद में पहन सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था कि कलावा का क्या करना है। अगर आपने छोटे छोटे कलावा चढ़ाए हैं तो छोटे छोटे कलावा को आप गांठ बांध बांध के बड़ा कर लें और उसे एक बढ़िया सूत बनाकर अपने हाथ में पहन लें, बहुत सही रहता है। विसर्जन करने से बहुत अच्छा तरीका है ये। इसके बाद जो है ना, आपको जनेऊ चढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पर भगवान शिव पर जनेऊ चढ़ाना है। और जनेऊ का बाद में क्या किया जाता है, तो अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप उसे इस जनेऊ को दे सकते हैं, ताकि ये सारी चीजें काम में आ जाए, या किसी अपने मन दान को भी इन जनेऊ को दान कर सकते हैं। जल में बहाने से बहुत अच्छा तरीका है ये। इसके बाद जो है ना, हमने यहाँ पे चंदन लगा लिया है। पार्वती माता को हम रोली का टीका करेंगे, तो इस तरह से थोड़ी सी रोली आप गीली कर ले, कभी भी सूखी रोली नहीं लगाई जाती। तो यहाँ इस तरह से मैंने रोली का टीका कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। अगर आप फूल माला लेकर आए हैं तो फूल माला चढ़ा दें, अगर फूल माला नहीं लेकर आए तो केवल फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, समी पत्री चढ़ाऊंगी, और मेरे पास बेलपत्र आज बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने जो है ना समी चढ़ा दी, क्योंकि मेरे दरवाजे पर समी लगी हुई है। इसके बाद मैंने पार्वती माता को गुलाब का फूल अर्पित किया है। अगर आपके पास माला है तो आप माला भी पहना सकते हैं। इस पूजा को हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कीजिएगा, क्योंकि शिव परिवार की जब आप पूजा साथ में मिलकर करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और परिवार में जो है ना प्रेम बढ़ता है। तो ये पूजा हो सके तो साथ में ही करें, अगर संभव हो सके। और ख़ासकर पति पत्नी को ये पूजा मिलकर साथ में करनी चाहिए, क्योंकि ये सावन के महीने की आखिरी पूजा है, ताकि आपके परिवार को इस पूजा का पूरा फल जो है ना प्राप्त हो।
और पूजा जो है ना आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, और अपने टाइम के हिसाब से देख लेना। ऐसा नहीं है कि भद्री काल में जो है ना पूजा नहीं होती, तो पूजा तो आप कर सकते हैं भगवान शिव की, केवल राखी नहीं बांधी जाती। तो यहाँ पर हमने फूल चढ़ा दिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना चढ़ाऊँगी अभ्रक चढ़ा दूँगी। इस तरह से भगवान के श्रृंगार में अभ्रक चढ़ाया जाता है, गुलाल चढ़ाया जाता है, हल्दी और सिंदूर काफ़ी सारे लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं चढ़ा के बता रही हूँ। इसके बाद जो है ना धूप दीप आप इस तरह से दिखा देंगे, तो और मैं यहाँ पर जो है ना भोग लगा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे फल का भोग लगा दिया है। आज तो देखिए रक्षाबंधन नहीं है, तो मैंने कुछ भी मिठाई घर में नहीं बनाई है, केवल थोड़ी सी शक्कर थी, तो मैंने शक्कर का यहाँ पे भोग लगा दिया। सावन का महीने का ये आखिरी दिन है, तो इस दिन दान पुण्य के लिए मैं भगवान शिव के लिए पोशाक लेकर आई हूँ, और माता पार्वती के लिए साड़ी और सुहाग का सामान लेकर आई हूँ। तो ये सारा सामान आपको शिव पार्वती पर अर्पित करना है, उन पर चढ़ाना है, क्योंकि ये सामान जो है ना उनके नाम के लिए लेकर आए हैं, यानी उनके लिए लेकर आए हैं। बाद में इस सामान को आप अपने मान धान को, अपने किसी पूजनीय को जो है ना दान कर दें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं रहता है, तो आप मंदिर में भी जाकर ये सारा सामान दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है कि कहीं कोई कमी पेशी रह जाए तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है, और बाकी आप अपने हिसाब से दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य का कोई लेवल नहीं होता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके पास साड़ी नहीं है, तो केवल आप रुमाल भी जो है ना दान कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा। सुहाग का सामान आप ज़रूर दान करें, और आज के दिन पार्वती माता से आप सुहाग लेना बिल्कुल ना भूलें। ये बात बता रही हूँ मैं आपको हवन करने का तरीका। तो हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो ये सावन के महीने का लास्ट डे है, तो इस दिन आप हवन ज़रूर करें। और किसी भी व्रत का अगर आप उद्यापन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हवन करना बहुत ज़रूरी है। तो तीज त्यौहारों पर तो हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का जो है ना हवन कुंड ले लिया है। अब जब भी आप मिट्टी का हवन कुंड यूज़ करते हैं, तो इसको अच्छे से धो लें। धोने के बाद जो है ना आप चाहें तो इसे लाल मिट्टी से दोबारा से इसको पोंछ सकते हैं। इसका कलर कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि इसमें रोज़ हवन होता है हमारे यहाँ में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अग्नि प्रज्वलित करनी है हवन कुंड में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की है, और मैं यहाँ पे नारियल से हवन कर रही हूँ, जो सूखा वाला नारियल होता है ना उससे हवन कर रही हूँ। तो अगर आपके पास सूखा वाला नारियल है, तो उससे हवन कर सकते हैं। हवन की संविदा भी बाज़ार से आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गाय के गोबर का उपला है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हवन कुंड का पूजन करना है। तो मैंने यहाँ पे हवन कुंड का रोली चावल से पूजन कर लिया है। अब क्या करना है आपको, साकल्य से जो है ना हवन किया जाता है, तो जिसे हवन सामग्री बोलते हैं। हवन सामग्री आपको मार्केट में मिल जाएगी, इसमें थोड़ा सा आप घी ज़रूर मिला लेना। अगर आप घी मिला लेते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हवन होता है, और बार बार जो है ना अग्नि नहीं बुझती है। अगर आपके यहाँ पर हवन, अगर आप हवन कर रहे हैं और बार बार अग्नि बुझ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा उसमें घी डाल देंगे। घी डालने से कभी भी अग्नि नहीं बुझेगी, और बहुत अच्छे से अग्नि जो है ना प्रज्वलित हो जाएगी। तो एक ऐसा तरीका है जो आप लोगों के लिए मतलब हवन करने में बहुत सहायक होगा। तो सबसे क्या करना है आपको, सबसे पहले गौरी गणेश की नाम की आहुति देनी है। अकेले आपसे अकेले कभी भी घी से आहुति नहीं दी जाती, इसमें थोड़ा सा आप हवन सामग्री आप ज़रूर मिला लें, इस बात का ध्यान रखें। औरतें खासकर केवल घी से हवन नहीं करती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करने का तरीका आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ घी से। जब भी आप आहुति दें, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको आहुति देनी है। सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद 9 ग्रह होते हैं हमारे, 9 ग्रहों की 9 आहुतियाँ आपको देनी है। उसके बाद आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र से जो है ना आहुतियाँ दे सकते हैं। आप चाहे तो नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो महामृत्युंजय के मंत्र से आप जो है ना आहुतियाँ दे सकते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। इसके बाद आपने घर में जो भी मिठाई हो, मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं अग्नि में, क्योंकि अग्नि के द्वारा जब आप भोग लगाते हैं, तो आपके देवी देवताओं तक वो भोग ज़रूर पहुंचाता है। आज पूर्णिमा है, तो अपने पितरों के नाम का भी भोग आप ज़रूर लगवाएं। पितरों के नाम का भोग औरतें नहीं लगाती हैं, ये पुरुषों के द्वारा ही आपको लगवाना है। इसके बाद मैंने घी से आचमन करवाया है, अब करूँगी मैं आरती। तो इस विधि से जो है ना पूजन किया जाता है पूर्णिमा यानी सावन के आखिरी दिन, जिस दिन जो है ना ये सावन के सोमवार का उद्यापन जो है ना आप इस तरह से अपने घर पर स्वयं कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। इसके बाद जो है ना आपको जल का जो है ना अर्घ देना, सरल विधि से आप अपने
अपने घर पर स्वयं भगवान शिव की इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और उद्यापन करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। पूजा के बाद एक ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उसके बाद ये सारा सामान उनको दान दे दें। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं रहता है तो ब्राह्मण के नाम का जो राशन पानी है वो आप मंदिर में जाकर दान करें और ये सारा सामान भी वहीं दान कर दें। तो ये तरीका होता है उद्यापन करने का। अगर आप बहुत बड़े तौर से करवाना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण को आप अपने घर पर बुलाएं, जो पूजा पाठ में अच्छे से पूजा पाठ कराते हों उनको बुलवाएं, वो आपके घर पर रुद्र अभिषेक करवाएंगे। और रुद्र अभिषेक करवाने के बाद जो है ना आपका संकल्प भी बहुत बुद्धि विधान से जो है ना पूरा करवा देंगे और दान पुण्य करने का तरीका भी आपको बता देंगे। तो इस तरह से जो है ना विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। और आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। घर पर पूजा करने का यही तरीका होता है। आप अगर आप खुद पूजा करना चाहते हैं तो इस विधि से आप अपने घर पर कर सकते हैं। मेरी बताई गई विधि आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी जो मेहनत होती है वो जो है ना रंग ला देती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ हमारे परिवार की ओर से। जय श्री राधे।